वैसे तो हर दिन बच्चों को पेरेंट्स के लिए खास बनाना चाहिए, मगर आज वो दिन है जो पूरी तरह माँ को समर्पित है। यह दिन है मदर्स डे का। हम मदर्स डे के अवसर पर कुछ ऐसी माताओं की कहानी बता रहे हैं जो जिम्मेदारी, जज्बात और डर के बीच हर रोज़ अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर, जिसे कोविड वार्ड बनाया गया है, यहाँ पिछले एक साल से भी अधिक समय से मरीजों की सेवा कर रही सीनियर नर्स रामरेखा राय ने अपनी सेवा से एक ऐसी रेखा खींच दी है जिस पर उनके बच्चों को भी नाज है। तो सेवा है, उसे हम ये नहीं हट सकते हैं, और उसी के साथ अपने बच्चों को भी जितना टाइम दे सकेंगे कोशिश करेंगे अपने बच्चे को कुछ टाइम दे, जो हमारे बच्चे भी खुश रहें। और ऐसे भी एक साल से हमारे बच्चे हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, रात में ले जाना, सुबह में गाड़ी से छोड़ना, या अपने से नाश्ता बना के खाना, ये सब हमारे टिफ़िन पैक करना, उसमें हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, जिसके बदौलत आज हम यहाँ पर रोगों का एक साल से सेवा दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी कहानी है रिम्स ब्लड बैंक की चिकित्सक डॉक्टर कविता देवगरिया की। वो कहती हैं कि परिवार सर्वोपरि है, लेकिन जिस पेशे में मैं जुड़ी हुई हूँ, यह मेरे लिए समाज सर्वोपरि है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर होने के कारण मरीजों के लिए रिस्पांसिबल हूँ, और अभी इस महामारी में हम डॉक्टरों का कर्तव्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हम लोग माँ का कर्तव्य लगता है थोड़ा कम निभा पा रहे हैं। बच्चे अकेले ही घर पे सारा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे बच्चे भी अब इतने समझदार हो गए हैं। हम लोग जानते हैं कि मम्मी डॉक्टर हैं तो उनको टाइम कम मिल रहा है, वो सारा समझ रहे हैं कि कोरोना की महामारी का जो मरीजों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, मम्मी बाद में हम लोग को टाइम दे देंगे। वहीं रिम्स ब्लड बैंक में ही बतौर अटेंडेंट प्रोफेसर काम कर रही डॉक्टर उषा सरोज भी उन माताओं की फरिश्ता में शामिल हैं जो इस महामारी में अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हैं। कि परिवार तो सर्वोपरि है ही, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से ही शुरू होती है, बट हम जिस फील्ड में हैं, इस फील्ड में समाज सेवा ही सर्वोपरि है। जैसे मेरा परिवार ग्रसित हो गया, मैं सामने से देखा कि किस तरह से परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वैसे हर एक मरीज के अटेंडेंट को भी यही फेस करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरा परिवार पूरा स्वस्थ हो जाए और हम आके इस सेवा में पूर्ण रूप से फिर से अपना टाइम दे सके। और सोमवार से मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ और फिर से मैं अपना सेवा देने के लिए प्रयास कर रही हूँ। इस महामारी में जब लोग अपने परिवार के साथ रहकर उनका ख्याल रख रहे हैं, तो रिम्स में बतौर वार्ड अटेंडर काम कर रही खेलगांव की रहने वाली रीता कहती हैं, बच्चों से दूर रहकर अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। लेकिन क्या करेंगे, सतर्क रहना पड़ता है, उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ता है, अपने बच्चों को साइड रख करके रहना पड़ता है, डर भी देखना, डर दोनों तरफ मैनेज करना पड़ता है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।